अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ शहजाद शकील। आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपने हमारी दूसरी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो हमारा चैनल विज़िट करें, उसमें आप लोग के पास प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आपके पास तमाम मौजूद होंगे वीडियोस। 9th के 10th के 11th की वीडियोस मौजूद हैं, और इसके अलावा कंसेप्चुअल वीडियोस भी मौजूद हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। आज हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही प्रूव किया हुआ था कि 2 इज़ इक्वल टू 1। आप बताएं कि राइट है रॉन्ग है, वो उसने प्रूव किया हुआ था तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि आज प्रूव करके दिखाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे ये सही है कि गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये हम आपको इस वीडियो पे रीज़न बता देंगे एंड तक। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको अगली बार भी तमाम वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 2 इज़ इक्वल टू 1 प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू बी, दो वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड। ए मल्टीप्लाई बाई ए, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब अगर हम b को दोनों तरफ माइनस करें, माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों में से b कॉमन ले लें तो क्या बन जाता है, a माइनस बी। अगर हम डिवाइड करें a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी के। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 1, और आपको पता है एज ए इज इक्वल टू बी तो बी भी 1 होगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 1। क्या सही है ये प्रूव हो गया दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये गलत क्यों है आपको बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि दोस्तों वेरिएबल्स, ये जो नंबर्स होते हैं, ये फिगर्स होते हैं, ये हमने डिफाइन किए हुए हैं अपनी तरफ से कि भाई ये फिगर्स को हम फिजिकली खुद ही देख सकते हैं, बता सकते हैं कि दो चीज़ें दो होती हैं, एक चीज़ एक होती है, दो पेन दो हैं, एक पेन एक है, तो ये दो और एक बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, इनको हम बराबर नहीं कर सकते। अगर बराबर होते तो ऐसे एक चीज़ देकर तो डबल ले सकते थे, ये ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, ये रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग कैसे है, इसमें जब आप पुट करेंगे, यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, आप पीछे से पुट कर सकते हैं। अगर हम पुट करें ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज आल्सो इक्वल टू 1, तो किस में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, इसमें 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो जवाब आपके पास क्या आएगा, 2 0 0 0 0 0 by 0 0 by 0। ये तो अनडिफाइंड है, ये मुमकिन ही नहीं, तो इस लिहाज से दोस्तों ये नामुमकिन है, ये प्रूफ रॉन्ग है। इसको आपको खेल की तरह बताकर प्रूफ कर दिया जाता है, फिर कहते हैं कि पुट करो, ये पुट यहाँ पर नहीं करना होता, पुट पीछे भी करना हो फिर भी अगर ये सेटिस्फाइड करे इक्वेशन को, फिर हम कहेंगे ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं ये सही है या गलत है, मैंने एक्सप्लेन सही किया है या गलत किया है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो इसके अलावा जो वीडियोस बनी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, और ये 0 by 0 अनडिफाइंड क्यों है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। हमारे पास में कैलकुलेटर में मैथ एरर क्यों आता है, ये भी आपके पास वीडियो बनी हुई है, विजिट करें हमारे चैनल को दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों।